अगर आप देख रहे हैं 20 दिसंबर का, ठीक है, आई होप क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ मार्केट गिर रहा था, बहुत अच्छी सेलिंग जी प्रेशर जी जी जनरेट हो रहा था, एकदम यहाँ पर सेलिंग हुआ और ये कैंडल नीचे तक गई, काफी नीचे तक गई, और जी इसके हाफ के ऊपर आके क्लोज हो गई। जी जब ये हाफ के ऊपर आके क्लोज हुई, कहने का मतलब हाफ के ऊपर आई नीचे आई, ये चीजें अलग हैं, पैटर्न याद करूं नहीं करूं, बट इतने बड़े सेलिंग प्रेशर में नीचे जाने के बाद बायर्स एक्टिव हुए सर, और जब बायर्स जी एक्टिव हुए तो उसके बाद देखो क्या अच्छी बाइंग आई है सर, हाँ है ना। तो ये अब इसमें इसमें हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा जहां से सेलर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। सेकंड टारगेट क्या रहेगा जी इसका, फर्स्ट, एक सेकंड मैं ड्रॉ ये करता हूँ सो दैट सर आपको सर क्लियर। मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा आप इसको रोकना, ओके आप सिर्फ सर एरो थोड़ा ऊपर लेके जाना, थोड़ा ठीक है सर, सा और ऊपर ले जाइए, इसके टॉप पर ले जाइए सर। यहाँ सर या ये सर ये अपना ना अपना बाइंग टारगेट रहेगा, ये ये अपना अपना बाइंग सही से टारगेट थोड़ा नीचे लेंगे। हाँ ये, वो इससे ये भी है सर टारगेट, लेकिन इससे एक एक टारगेट नीचे ही मिलेगा। हाँ एक टारगेट नीचे भी मिलेगा ये, थोड़ा सा ये आप जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा सर, आप इस अपने को इसका फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा जो आपने ले रखा है ना, इससे थोड़ा ऊपर है। हाँ इसका हाई हाई इसके हाई पर चले जाइए सर, ये ये यहाँ पर सर। ओके। अब सर थोड़ा सा इसे देख के चलिए, फर्स्ट थिंग जहां ये पहले यहां पर आया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया इसने, जी इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था जिसको पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और फिर यहाँ सपोर्ट फेस किया, ऊपर चला गया था, नीचे आया, उस लेवल को ब्रेक डाउन किया। अब थोड़ा सा पहले जो चीजें हमने पढ़ी है उन चीजों पे जाइए सर, कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, इसके ऊपर तक हायर लो पैटर्न हमारा सही, सॉरी हाँ हायर लो पैटर्न सही था, बट जैसे ही इसे ब्रेक किया तो हमारा हायर लो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया सर। तो जब नीचे से वापस आएगा तो फिर वापस यही रेजिस्टेंस फेस करेगा सर, अच्छा ठीक है, देखो इसको समझ रहे हैं ना सर, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बना दिया, बट जब दोबारा हाँ आया तो इसने इस लो को ब्रेक कर दिया था, और इसलिए ये सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। तो अब जब नीचे से आएगा तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, जहां पर इसने सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। तो यहां पर जब आया तो देखिए आप कितनी सारी कैंडल ने यहां पर सेलिंग प्रेशर फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हुआ, बट हाँ यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, जिसको ब्रेक करके गया था। जी फिर सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा या सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा, जो हाई था वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक जी है, तो क्लोजिंग बेसिस पे जो हाई था दैट इज अवर सेकंड आपका टारगेट। इसको थोड़ा सा क्लोज, ठीक है, ये वाला, और यहां पर देखो सपोर्ट भी लिया था, तो ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो इस वे में आपको प्लान करना है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस किस वे में होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस तो इस कैंडल का लो लो होगा सर, है ना, तो स्टॉप लॉस हमें क्लियर है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे, है ना, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, यहाँ टारगेट को हम ब्लैक कर देते हैं जैसा हम करते हैं, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं और इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं, सो दैट ये क्लियरली विजिबल रहे, थोड़ा हमें यह कॉन्फिडेंस भी है। एंट्री कहाँ है उसको मैं ब्लू कर रहा हूँ सर, ठीक है, जो एंट्री है उसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये मेरी एंट्री, इज इट क्लियर। यहाँ सर रिवर्सल साइन मिला, रिवर्सल साइन मिला, क्लोज हुई, थोड़ा सा वो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या हाँ सर बिल्कुल हो सकती, देखिए सर, करना सर थोड़ा इज इट क्लियर, ये सर पैटर्न पैटर्न अंडरस्टैंडिंग अगर करनी हो तो इसमें पैटर्न कौन सा अंडरस्टैंड हो रहा है हमारा, ये ये जो पियर्सिंग लाइन सेलर और पैटर्न, बायर पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो अभी है। हमने पढ़ा था, पैटर्न तो वो है, बट मैं नहीं चाह रहा आप पैटर्न याद करो, मैं चाह रहा हूँ आप ये याद रखो कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद हमें पहला रिवर्सल मिला। नहीं रिवर्सल के लिए साइन क्या है सर हमारा, पियर्सिंग लाइन ना। हाँ पियर्सिंग लाइन पैटर्न ही है, ठीक है,
इस नहीं सर, कैंडल पियर्सिंग लाइन हम किसको कह रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस से जो जो बॉडी बन रही है वो प्रीवियस की आधी से ऊपर क्लोज हो, आधी से ऊपर क्लोज हो सर। पियर्सिंग लाइन इसी को बोला है ना, जी 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 सर। आधी से ऊपर क्लोज हो रही है, कोई भी पैटर्न किसी भी पैटर्न आप में इस पूरे कैंडल पियर्सिंग लाइन का है। आप हाफ निकालिए सर, 21146 हाई था और 21187 हमारा लो है, इन दोनों का एवरेज कीजिए सर। 21146, 21 हटा दीजिए, 146 और 87, ये हमारे इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? नहीं आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस कैंडल का हाई मैं देख रहा हूँ तो 146 है, 21146 है और लो 21187 है, तो इन दोनों का एवरेज जब लूंगा तो ये ऑलमोस्ट मेरा जो आएगा निकल के, दैट इज टोटल पॉइंट है हमारे पास 60 पॉइंट, तो 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मतलब 1901, 117 है ना, 117 के अराउंड आएगा, एग्जैक्टली 16 आएगा 15 आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ 117 के अराउंड आएगा ना। और इसकी क्लोजिंग कहाँ है? इसकी क्लोजिंग हमारी मिल रही है हमें सर 123 पे, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है ऊपर ही है, इसके उसकी आधे से ऊपर ही है ना हाँ ये। हाफ से ऊपर ही, और थोड़ा बहुत हाफ से नीचे भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो पियर्सिंग पैटर्न नहीं है ना। पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है सर कि हमें क्लियरली विजिबल है कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद बायर्स ने फर्स्ट टाइम जोर लगाया है। अगर हम ये SL कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, इस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ बिग टारगेट, जी, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। कई हाँ बार ये हम नाम में आपने, फंसे रहते हैं कि हाँ यार ये पियर्सिंग है या नहीं लेकिन ये है। नाम नहीं सर वो ऐसी, लेकिन जो कहते हैं ना सर जो रिवर्सल पैटर्न का कुछ साइन है बस वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो रहा है। रिवर्सल का क्लियर रखना है हमें, है ना। जो भी देखो जी अभी तक आपने अगर समझा हो थोड़ा सी चीजें, तो चीजें कर क्या रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हम ये गिरते मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, जी हम जी चढ़ते मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेड का वेट कर रहे हैं सर। तो वेटिंग ट्रेडिंग इसमें बताया जाता है सर कि वेटिंग करना अगर आपको आ गया ना, वेट करना आ गया अपनी सही ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का, उसको लेने का, तो फिर आप ट्रेडर बनोगे। और अगर आप ओके वो ओके वेट नहीं कर पा रहे ना सही ट्रेड का, अरे गिर रहा है मार्केट मैंने सेल कर दिया, चढ़ रहा है मार्केट मैंने बाय कर दिया, तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो, तो फिर तो आप यानी बर्बाद हो जाओगे, वो है। तो ओके ओके अल्टीमेटली इतना मार्केट गिर रहा था, हम कुछ नहीं कर रहे, हमने रिवर्सल का वेट किया और जैसे रिवर्सल मिला हमने एंट्री करी और हमने बड़े टारगेट बुक किए। अच्छा आप जो भी बार बार कहते हैं कि मार्केट आप हो या डाउन हो, या सेलिंग हो या बाइंग हो, तो हमें उसके रिवर्सल का एक बार चेंज करेंगे तो वहां पर सॉरी वेट करेंगे तो रिवर्सल पे क्या है सर, जब एकदम जब सेलर्स फंसता है ना सर, देखो रिवर्सल का क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं, जब ये सेल सेल कर रहे हैं, आराम से सेल कर रहे हैं, यहाँ तक भी सेलिंग हुई, बट एक बार बायर्स ने एक्टिविटी दिखाई, तो क्या करना पड़ेगा, जो इतने सेलर्स ने एक्टिविटी दिखाई ना, उन्हें अपना लॉस बुक या प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे मतलब वो भी बाय करेंगे और जो बायर्स हैं वो भी बाय कर रहे हैं, तो जब दोनों बाय करेंगे तो हमें रिवर्सल में अच्छा टारगेट मिलेंगे, इसलिए ठीक रिवर्सल इज इम्पोर्टेंट। इस वे में आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजों को, ठीक है। और अगर सर एक और जी चीज जी यहां पर, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, यहां अगर आप ये देख पा रहे हैं सर, वन सेकेंड, आई होप ये जो चीजें अभी डिस्कस की हैं वो क्लियर है आपको, है ना हाँ ये क्लियर है सर। सर? ये तीन का पैटर्न देखिए सर, कौन सा वाला सर? ये तीन जो मैंने सर्किल किया है, अच्छा एक में बाइंग आई, अच्छा ठीक है दूसरे ठीक में बायर सेलर्स ने बराबर जोर लगाया, तीसरे में मार्केट गिर गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर अब एग्जैक्टली जैसा अपन वो बुक में पढ़ते हैं वैसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर इस टाइप से मिलेंगे, एक में बाइंग आई, दूसरे में बायर सेलर्स ने जोर लगाया, तीसरे में सेलर्स एक्टिव हेविली सेल करने लग गए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो ये देखिए क्या सेलिंग जी। प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, ये था अच्छा इसमें हमारा, इतना ये पैटर्न क्या था, ये इवनिंग आपका स्टार, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग 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 मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग यानी सुबह हुई है तो उठेगा मार्केट, समझ रहे हो, थोड़ा इस वे में याद रखना, अच्छा और इवनिंग हो रही है मतलब अब ओके गिरेगा ओके मार्केट, है ना, सूरज ढल रहा है, अच्छा सूरज ओके गिरेगा। रिवर्सल ओके ठीक।
तो ये इवनिंग स्टार है, इवनिंग मतलब अब रात हो गई, अब मार्केट गया, ठीक है, तो मार्केट ने किस टाइप से क्रैश किया है ये समझिए। बट यहाँ पर एसएल क्या होगा, जब तीन कैंडल का पैटर्न देख रहे हैं तो तीनों कैंडल का हाई, तीनों में से जो हाई होगा, तीनों जब दो कैंडल, हाँ, का बुलिश है तो लिस्ट तीनों का लो, और अगर दो कैंडल देख रहे हैं तो दोनों कैंडल का हाई या लो, जो भी हमारा साइन है, यानी जो भी हम बुलिश ले रहे हैं तो लो और बियरिश ले रहे हैं ट्रेड तो हाई। तो इस वे में आपको फिर दो कैंडल पैटर्न में दोनों कैंडल का हाई लो देखना है, और तीन कैंडल पैटर्न में तीनों कैंडल का हाई लो देखना है, सिंगल कैंडल पैटर्न में सिंगल कैंडल का हाई लो देखना है। बीएस में हाई देख लेते हैं, पुलिस में इसका लो देखते हैं हाँ, ऐसा। अब एक और चीज को समझना है आपको, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे ये है हमारी 15-15 और 9-15, ये शायद वो बनेगा नहीं, सर इसकी एक बार डेट बताना सर, मैं इसको इसको नोट भी कर लूंगा ना, जब चेक करूंगा आपके सर साथ इसको एक ना, तो आप नोट मेरे लिए कीजिए, तो थोड़ा सा भी नया है ना 10-15, 20 दिसंबर 10-15 सर। निफ्टी 50, 20 दिसंबर 10-15 निफ्टी 20 दिसंबर जी, 10-15 निफ्टी 50, और सेकंड इज अवर जो ये 20 दिसंबर 10 सॉरी 10-15 से 11-15 तक, ये आपका है सर इवनिंग स्टार, लिख लेना, और आप 15-15 20 दिसंबर को आएंगे और 21 दिसंबर को 9-15, तो 21 दिसंबर की 9-15 को आपको थोड़ा पियर्सिंग पैटर्न मिलेगा सर, 21 दिसंबर 9:15 नौ ना, पंद्रह पर आपको पियर्सिंग पैटर्न मिलेगा सर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा मेमोराइज करनी है चीजों को, बट अल्टीमेटली सर वंस अगेन मैं एक और एक ही बात बोलूंगा बार बार, कि हमें बायर सेलर्स के टर्म्स में चीजों को देखना है, चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ना कि ये पैटर्न्स के टर्म्स में, ठीक, ठीक है। बिल्कुल आप ये क्योंकि निफ्टी 50 का है ना सर, ये भी निफ्टी फिफ्टी सर है ना, निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे लिख रखा है, निफ्टी फिफ्टी जी। टाइम फ्रेम लिखिए सर 1 आवर, अच्छा, आई ठीक होप सर। चीजें यहां पर थोड़ी क्लियर हुई होंगी आपको। हाँ नहीं, ये तो अभी मतलब सेलर वायर्स का किस कंपेरिजन के मज रेस्पेक्ट में चीजें, लेकिन जो पैटर्न है पैटर्न मेमोराइज हो रहे हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना स्ट्रेंथनिंग पे थोड़ा सा फोकस नहीं, वो सर क्या है, जैसे करना आप होगा। मार्केट में जब जितना वर्क करेंगे ना, तो वहां पर आपको फिर समझ में जी जी ज्यादा चीजें, जब बार बार दिखेंगी एक पैटर्न तब समझ में चीजें आएंगे ना, हाँ जी यहाँ तो आपको बस बियरिशनेस बुलिशनेस ये चीजें समझ में आ रही। और सेकंड चीज मैंने बोली थी, जब आप जी ट्रेड इनिशिएट करेंगे सो आपको कुछ अमाउंट ऐड करना है अपने उसमें, जरोदा या जिसमें अप स्टॉक जिसमें भी वो डाल दिया डाल सर, दिया ऐड कर ना, लिया, तो कल हम ट्रेड ऐड करेंगे कर लिया। उस अमाउंट से थोड़ी सी, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक और आज आपको सर, इनको ठीक रिवाइज करना है, और जो भी डाउट्स हो उनको नोट करना है, एंड अगर छोटे डाउट्स हैं तो मुझे कॉल करके क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा है। अच्छा और शाम अगर के टाइम बड़े कॉल कर डाउट, सकता हूँ ना। हाँ कभी भी करना, बड़े डाउट हैं यानी व्हाट्सअप कर देना फोटो जो भी आपके पास आपका हाँ चार्ट है, और फिर कॉल करके क्लियर करना छोटे डाउट हो, अगर बड़े डाउट हैं तो नो डाउट फिर कल की क्लास में हम क्लियर करेंगे, है ना, ठीक सर, ठीक, ठीक बिल्कुल। है। तो आई हाँ तो होप ये सब ना जो कल का और आज का है, जो छोटे छोटे ये जो इसकी वो है ना अपने पास पीपीटी, एक बार वो भेज देना सर, क्योंकि क्या होता है ना बार बार मुझे इधर उधर से वो सर्च नहीं ना करना पड़ता। अब आज कंप्लीट हुआ है तो हुआ है ना सर, तो आज मैं आपको सारे भेजूंगा, है ना, पक्का सर, पक्का। हाँ ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट नहीं मैं बस दैट। बैठ ही रहा हूँ ना, अभी उठ नहीं रहा, थोड़ा सा आधा घंटे का ब्रेक नहीं, लूंगा बैठना तो सर उसके आप बाद। अगर 9:15 से 3:30 के बीच में जब भी फ्री हैं आप मार्केट में ही बैठेंगे, ठीक है, हाँ वो कोशिश यही तो कर रहा हूँ मैं अभी, यही जब भी आप कोशिश कर फ्री रहा हूँ। हैं, जब भी आपका टाइम है, तो आप मार्केट में बैठेंगे ना कि साइड में बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए ठीक है सर, है ना, फिर मैं वो भेजता हूँ आपको, एंड कल मिलते हैं अपन, ठीक सर, ठीक, है ओके ना, सर, ओके थैंक यू। ओके भाई।